अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर शहज़ाद अटक शहर पाकिस्तान से, और एक छोटी सी ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो भी आप काम करते हैं उसे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको अपने मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। तो जब आप उस ऐप को अपने मोबाइल पर पहली दफ़ा खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वो ये तीन चीज़ें दिखा रहा होगा। अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करके आगे जाएंगे, और अगर आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट बनाया हुआ है और उसके साथ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्टेड है तो फिर आप ये सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे वाईफाई के साथ ही आपका मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड होता है तो हम इसमें पहली ऑप्शन पे ही जाएंगे। तो जब हम पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आगे ये आपको स्टार्ट ब्रॉडकास्ट का एक ये सब्ज़ रंग का बटन बताएगा। तो जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक ये मैसेज देगा और आपसे ये कंफर्म करेगा, तस्दीक करेगा कि आप ये इसको इजाज़त देते हैं कि आपकी ये स्क्रीन कैप्चर करके आगे भेजे। तो इसको हम अलाउ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये चीज़ नोट करें कि इन्होंने एक आपको यूआरएल दिया है। मिसाल के तौर पे आपका हो सकता है ये यूआरएल मुख्तलिफ हो, मेरे केस में ये 192.168.10.3 और आगे ये कॉलन है और इसके आगे 6868। तो ये हमने क्या करना है कि अपने लैपटॉप, टैबलेट, कोई और मोबाइल या कोई भी डिवाइस जहाँ पे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देखना चाहते हैं वहाँ पे आपने ये टाइप करना है। तो अभी क्योंकि मैंने इसको अपने मोबाइल पे स्टार्ट नहीं किया है तो मैं इस एप्लीकेशन को इसी तरह जिस तरह के आपको वीडियो में बताया गया है उस तरह मैं स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं अपने पास आपको ये जो लैपटॉप स्क्रीन है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया अपने मोबाइल पे, और अभी मैं ब्राउज़र में वही एड्रेस जो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है वो यहाँ पे टाइप करूँगा। तो आपको जो वो एड्रेस दिखाए आपने वही टाइप करना है। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया है तो इसने मुझे स्क्रीन दिखानी शुरू कर दिया है ब्राउज़र के अंदर। तो ये ब्राउज़र आपका टैबलेट में भी आप खोल सकते हैं, दूसरे मोबाइल के ऊपर भी, अपने लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर, जो भी डिवाइस जिसके अंदर ब्राउज़र होते हैं इंस्टॉल उसमें आप ये एड्रेस एंटर करेंगे तो स्क्रीन ये आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन का बटन है, इसको आप कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं मोबाइल पे अब मिनिमाइज़ किया है और यहाँ पे मेरे पास बाकी जो भी अब मैं मोबाइल पे चीज़ें करूँगा वहाँ पे नज़र आनी शुरू हो रही हैं। तो ये बस आपसे छोटी सी एक टिप आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद फिर और टिप्स के साथ हाज़िर होंगे। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम।